पौध सुरक्षित रहे सदा, मानो मेरी बात, उकठा पास नजर ना आए जब जीवामृत हो साथ। जी हाँ, यह कोई कविता नहीं बल्कि हकीकत है। रहर की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान उकठा, यानी जिसे हम पौधा सूखने की बीमारी भी कहते हैं, उससे होता है। वैसे तो यह बीमारी कभी भी किसी भी फसल में आ सकती है, लेकिन रहर की फसल में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सितंबर से अक्टूबर महीने, यानी जब रहर में फूल निकलने की अवस्था होती है, उस समय सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए हमें समय रहते इस बीमारी से बचाव का उपाय कर लेना चाहिए, ताकि हमारी रहर की फसल को कोई नुकसान ना हो। वैसे तो बीज उपचार के समय बीजामृत और ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर हमने इस बीमारी को लगने की संभावना बिल्कुल ही कम कर दी है, लेकिन अपनी रहर की फसल को और सुरक्षित रखने के लिए हमें समय समय पर जीवामृत का प्रयोग करते रहना चाहिए। आज हम विस्तार से जानेंगे कि जीवामृत बनाते कैसे हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले आइए हम देखते हैं कि रहर की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। खेत की तैयारी, बीज का चुनाव एवं उपचार, बीज की रोपाई, कपोलों की तुड़ाई, उकठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाव, फल छेदक कीड़े से बचाव, फसल की तुड़ाई एवं भंडारण। रहर की खेती की इसी विधि का पालन हमारी दीदी भी कर रही हैं। आइए आज हम देखते हैं कुछ और दीदी जो इसी विधि का पालन कर रही हैं, उनको पिछले वीडियो कपोलों की तुड़ाई से कितनी बातें याद हैं। रहर की कपोलों के ऊपरी तने की पहली तुड़ाई लगभग पौधे लगाने के 35 दिन के बाद करते हैं और दूसरी तुड़ाई पहली तुड़ाई के लगभग एक महीने बाद करते हैं। तुड़ाई के लिए कैंची, चाकू या धारदार ब्लेड जैसे हथियार का प्रयोग करते हैं। कपोलों को तने से लगभग 2 इंच ऊपर से काटते हैं। अंत में यह भी ध्यान रखते हैं कि कपोलों की तुड़ाई करते समय पौधा को कोई नुकसान ना हो। तो देखा आपने, दीदी को पिछली वीडियो की सारी बातें बिल्कुल सही तरीके से याद हैं। और रहर की अच्छी फसल उनकी इस बात का सबूत भी है कि वह रहर की खेती विधि पूर्वक कर रही हैं। वैसे तो जीवामृत के बारे में आप सभी पहले से जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं कि जीवामृत से होने वाले फायदे क्या क्या हैं। जानना चाहेंगे आप? तो यह रहा आपके सवालों का जवाब। जीवामृत अरहर की फसल के लिए एक वरदान के रूप में होता है। गांव में उपलब्ध प्राकृतिक पदार्थों से ही एक जैविक दवा के रूप में इसका निर्माण किया जा सकता है और ये फसल में लगने वाली बीमारियों से ही सिर्फ फसल को नहीं बचाता है बल्कि फसल की वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। असल में ये रोगाणुनाशक होने के साथ साथ ये एक हार्मोन के रूप में भी काम करता है और फसल को वृद्धि और विकास में मदद करता है। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन जैसे आवश्यक अवयव पौधों को और ज़मीन को प्राप्त होते हैं, जो फसल को और अच्छा बनाते हैं, उपज और अच्छी हो सकती है। अब तो यह बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि जीवामृत के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले 25 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 25 लीटर पानी, 2.5 किलो गाय का ताज़ा गोबर, 1.25 लीटर गोमूत्र, 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम बेसन और 250 ग्राम जंगल या मेढ़ से ली हुई मिट्टी की ज़रूरत होती है। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, जीवामृत बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा होगा कि मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे से ली जाए, क्योंकि इस मिट्टी में मृत जीवाणुओं का पूरा परिवार रहता है और यहाँ से ली गई मिट्टी में इनकी संख्या बहुत अधिक होगी। आइए देखते हैं कि दीदी जीवामृत कैसे बना रही हैं। दीदी, सारा सामान तो इकट्ठा हो गया, अब इसे बनाना कैसे है?
दीदी, जीवामृत बनाने के लिए एक बड़ा डेगची चाहिए, इसमें 25 लीटर पानी आ सके, और इसमें 2.5 किलो गोबर डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ठीक से मिलाना है। क्या इसे पतली लेप की तरह बनाना है? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे दीदी। फिर इसके बाद इसमें 1 पाव गुड़ और 1 पाव बेसन डाल के ठीक से मिलाना है। दीदी, इसमें मिट्टी भी डालना है ना? हाँ हाँ, अब इसमें लगभग 1 पाव दिया मिट्टी या जंगल का मिट्टी को डालना है। 1 पाव लगभग एक अंजूरी है ना दीदी? हाँ हाँ, उतना ही। फिर इसके बाद इसमें 1.25 लीटर गो का पेशाब डाल के ठीक से मिलाना है। और जो बचा है पानी दीदी, उसको इसी में डालना है क्या? बिल्कुल। फिर इसको डंटा के सहारे दाहिना से बायां 15 से 20 बार और बायां से दाहिना 15 से 20 बार ऐसा घुमाना है कि पानी की सतह में एक भांवर बन जाए। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए करते हैं कि फायदा पहुंचाने वाला जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। चलो, अब इतना करके फिर आगे बताएंगे। दीदी, फिर इसको ढक्कन या प्लास्टिक से बांध के 48 से 72 घंटा किसी छायादार जगह में रख देना है। अच्छा, अब इसे 2-3 दिन कुछ भी नहीं करना है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। प्लास्टिक को खोल के दिन में कम से कम 2 बार दाहिना से बायां 15 बार और बायां से दाहिना 15 बार घुमाना है, जैसा हम पहला दिन किए थे। ठीक है दीदी, ये कितने दिन में बन के तैयार हो जाता है? दीदी, जाड़े के दिन में 4th दिन और गर्मी के दिन में 2 या 3 दिन में ये जीवामृत बन के तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद इसको चलनी या सूती कपड़ा से छानकर प्रयोग करना चाहिए। दीदी, इस जीवामृत को कितने दिन तक जमा करके रख सकते? दीदी, जीवामृत तैयार होने के बाद इसको ढक्कन से बंद करके किसी छायादार जगह में 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। इसलिए जितना मात्रा हमको प्रयोग करना है उतना ही मात्रा बनाना चाहिए। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, जीवामृत बनाने की विधि क्या है? दीदी ने तो हमें एक्सपर्ट की तरह जीवामृत बनाने का तरीका बताया। जी हाँ, बिल्कुल यही सही तरीका है जीवामृत बनाने का। 1 एकड़ की फसल में एक बार प्रयोग करने के लिए हमें 150 से 200 लीटर जीवामृत की जरूरत होती है, और जिस दिन हमने जीवामृत बनाना शुरू किया उससे 9वें दिन जीवामृत का प्रयोग सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे जीवामृत का प्रयोग के तो कई तरीके हैं, लेकिन रहर की फसल में उकठा रोग के प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग हम रहर की जड़ों में डालकर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दीदी लोग रहर की फसल में जीवामृत का प्रयोग कैसे कर रही हैं। दीदी, हर पौधे में 1/2 कप जीवामृत डालना है क्या? हाँ दीदी, हर पौधा में 100 मिलीलीटर जीवामृत डालना है, और डालने के पहले आसपास की मिट्टी को भुरभुरा कर देना है। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए कि पौधा के जड़ में ये जीवामृत पहुंच जाए, और इसको शाम को समय में दिया जाता है ताकि वह सुबह तक पूरा असर हो जाए। दीदी, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए,
कि जीवामृत डालने से पहले मिट्टी में नमी होना चाहिए। इसका मतलब दीदी, रहर की खेती में बारिश के हिसाब से ही जीवामृत डालना है क्या? हाँ दीदी, ऐसा इसलिए कि सूखा में अगर जीवामृत को डालेंगे तो पौधा को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दीदी, जीवामृत को पौधे में एक ही बार डालना है क्या? दीदी, जब आपका पौधा 110 दिन का हो जाएगा तो हर 20 दिन में 4 बार जीवामृत डालना है। ठीक है दीदी, चलिए जीवामृत को डालते हैं। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, अरहर की फसल में जीवामृत का प्रयोग कब कब और कैसे करना है। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि जीवामृत बिल्कुल अपने नाम की तरह पौधों के लिए अमृत के समान होता है। तो आप भी अपने रहर के पौधों को इस अमृत यानी जीवामृत से वंचित मत रखिएगा। अब मैं आपको रहर के एक विशेष गुण के बारे में बताता हूँ। अगर आपको पसीना बहुत आता है तो आप एक मुट्ठी रहर की दाल, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच पीसा हुआ सौंठ ले लें और उसे सरसों के तेल में भून लें और अब इस तेल से शरीर की मालिश करें। आपकी पसीने की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। रहर के इस विशेष गुण के बाद अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रहर की फसल में फल छेदक कीड़े से बचाव कैसे किया जाता है। तब तक आप अपनी रहर की फसल में जीवामृत का प्रयोग करते रहिएगा। समझौता नहीं करने योग्य बिंदु। सामग्रियों के मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं और मिश्रण को तैयार होने तक छाया में ही रखें। मिश्रण को रोज सुबह और शाम एक डंडे की सहायता से पहले बाएं से दाहिने तरफ 15 से 20 बार और फिर दाहिने से बाएं तरफ भी 15 से 20 बार ऐसे घुमाकर मिलाएं कि उसमें भंवर बने। हर पौधे में लगभग 1 कप यानी 100 मिलीलीटर जीवामृत का प्रयोग करें। जीवामृत का प्रयोग शाम के समय करें। जीवामृत डालते समय मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी तो जीवामृत का असर बहुत कम होता है। जीवामृत डालते समय अगर खेत में नमी कम हो तो इसे डालने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए।